अपने जानवरों तक को भी ट्रांसफर किया है। पिछले साल की बात है, यहाँ पाखरू में छोटा सा कोई मेला लगा हुआ था और एक आदमी अपने बैल के साथ पहुंच जाता है और शर्त लगाता है, वहाँ आयोजन करता है एक प्रतियोगिता का, उसमें शर्त लगाता है कि जो इस बैल की गर्दन ना में हिला दे उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो गांव के बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लास्ट में मेरी बारी आई, मैंने बैल के कान में कुछ कहा तो उसने ना में गर्दन हिलाई। मैंने कहा निकाल मेरे 5,000 रुपये, तो उसने 5,000 रुपये दिए और पूछने लगा, भाई साहब आपने ऐसा क्या कहा उसके कान में कि उसने ना में सर हिलाया। मैंने कहा कहना क्या था, जो तुमने उसके मन में डर बैठा रखा है गणित का वही यूज किया। मैंने कहा गणित वाला हूँ, बताओ एक दो क्वेश्चन, तो कहने लगा ना। अब उस आदमी के मन में लालसा उत्पन्न हो गई, उसको थोड़ा मलाल हो गया कि 5,000 रुपये उसके वेस्ट चले गए हैं करके। तो अगले साल वो फिर मेले में आता है उसी बैल को लेकर, इस बार वो शर्त बदल देता है, इस बार कहता है कि वो बैल की गर्दन को पहले हाँ में हिलाना पड़ेगा और फिर ना में। तो बहुत से लोगों ने प्रयास किया, असफल रहे, लास्ट में मैं उठा, मैंने कहा बैल के कान में कुछ कहा उसने हाँ में सर हिलाया, फिर मैंने बैल के कान में कुछ कहा उसने ना में सर हिलाया। मैंने कहा निकाल इस बार 10,000 रुपये उसको देने पड़े, तो उसने 10,000 रुपये दिए और पूछने लगा इस बार आपने क्या कहा। तो मैंने कहा पहली बार तो मैंने ये कहा कि मैं पिछली बार भी आया था, पहचाना क्या, तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा बताऊँ तो 4 क्वेश्चन, कहने लगा ना। जैसे जैसे हमारी पीढ़ी आगे को बढ़ती जा रही है तो बच्चे थोड़ा संस्कारी कम होते जा रहे हैं और